बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना हो, ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर हम उसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं, तो उसको कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, R फॉर रोज, C फॉर कॉलम्स, I फॉर हमारे एक वेरिएबल लेते हैं जो आउटर लूप के लिए हम यूज़ करेंगे, और एक J वेरिएबल लेते हैं जो हम इनर लूप के लिए यूज़ करेंगे। C आउट यहाँ पे हम लेते हैं एंटर मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे सी एन रोज और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम्स आ जाएगा। यहाँ पे हम एक रे लेते हैं ए आर, जिसके अंदर हम रोज़ पास कर देंगे और यहाँ पे हम सी पास कर देंगे। इसी तरह हम एक वेरिएबल रो लेते हैं ट्रांसपोज के लिए, जिसके अंदर हम यहाँ पे आर पास कर देते हैं और यहाँ पे हम सी पास कर देते हैं। जितनी हमारी जब हम यहाँ पे रोज़ देंगे वही हमारी अरे की रोज़ बन जाएगी, और जितने हम कॉलम्स देंगे वही यहाँ पे इसके कॉलम जो है ना वो डिक्लेयर हो जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे आ जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन आर, आई प्लस प्लस, क्योंकि ये आउटर लूप है, इसको हम कंट्रोल करेंगे रोज के साथ। और यहाँ पे आ जाएगा फॉर जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे इज लेस देन सी और जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम आ जाएंगे सी आउट एंटर एलिमेंट, हमारी जो रे है उसके बाद आ जाएगा आई प्लस वन और साथ में आ जाएगा जे प्लस वन, और यहाँ पे हम कॉलम डाल देंगे सी एन, यहाँ पे आ जाएगा ए और आई और यहाँ पे जे आ जाए। तो व्यूअर्स, इतने को हम चेक कर लेते हैं, तो ये ठीक चल रहा है। हम यहाँ करते हैं टू बाय टू, तो ये आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हम क्या करते हैं, इस कोड को हम यहाँ से लूप्स के कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं सी आउट, सी आउट आ जाएगा मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, हम उनको यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो इसको सी एन को यहाँ से खत्म कर देते हैं, आई और यहाँ पे आ जाएगा जे आ जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू समझ लें यहाँ पे शो होती जाएंगी, हम क्या करेंगे उसको हम जो हमारी दूसरी अरे ली हुई है जिसका नाम हमने रखा हुआ है ट्रांसपोज के नाम से, वो वैल्यू जो है ना उसके अंदर भी हम स्टोर करते जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स है उसको हम रो में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारे रोज़ हैं उसको हम क्या करते हैं कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे जो यहाँ पे उसको वैसे ही जो भी हमारे पास समझ लें व्यूअर्स वैल्यू आएगी उसको हम जो है ना जो हमारे कॉलम्स की वैल्यू होगी उसको हम रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे, और जो रोज़ की वैल्यू है उसको हम किस में कर देंगे रोज़ की वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। मीन यहाँ पे आई रोज़ है तो जे कॉलम में बन जाएगा, और जे हमारा कॉलम है तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगी रोज़ बन जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम जाके फिर इसको यहाँ पे एक मैसेज देते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम डबल कोट स्लैश एन यहाँ पे लेते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा स्लैश यहाँ पे एंड डाल देते हैं। तो हम इसी को यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इस कॉपी करने के बाद इसको
इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम और इसको हम यहाँ पे स्लैश टी कर देते हैं। और जैसे ही एक हमारी रो ख़त्म हो तो हम उसको एंड लाइन कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी जैसे हमारी एक रो जो है ना वो ख़त्म हो तो उसको भी हम यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे। तो ये व्यूअर्स 2/3 ये हमारा यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो जाए। इसको व्यूअर्स हम ये हमारी मैट्रिक्स ओरिजिनल ऑर्डर में आ रही है और ये हमारी ट्रांसपोर्ट में आ रही है तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको भी यहाँ पे हम स्लैश टी कर देते हैं। अब व्यूअर्स दोबारा देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे सी एन करा दिया रोज़ एंड कॉलम्स को। हमने दो रेज ली डबल डिमेंशन, इसके अंदर यहाँ पे हमने रोज़ की जगह आर पास कर दिया, कॉलम की जगह हमने सी पास कर दिया। इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर भी हमने रोज़ की जगह आर पास कर दिया और कॉलम की जगह पे सी पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या दिया, एंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम सी एन करा लेंगे। तो हमें दो लूप लगा देंगे, एक आउटर लूप आ जाएगा हमारा, एक हमारा इनर लूप आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंटर एलिमेंट ए आर, यानी कि अरे एक एलिमेंट को करें ए आर आई जे आ जाएगा, यानी कि हम जितने भी हमारी रोज एंड कॉलम्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्ड हम यहाँ पे उनको वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे सी एन करा लेंगे। उसके बाद हम उस मैट्रिक्स को जो है ना यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्प्ले एलिमेंट, डिस्प्ले मैट्रिक्स एलिमेंट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट को यहाँ पे क्या करा देंगे, शो करा देंगे। और हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट की रो के अंदर स्टोर करते जाएंगे। जो हमारी रोज़ है वो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ पे रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स जो हमने ट्रांसपोज की हुई है उसको हम यहाँ पे क्या करा देंगे, शो करा देंगे। तो व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3/3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, तो ये मेरे कुछ एलिमेंट्स जो है ना यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये मेरे समझ लें कि मैट्रिक्स की ये मैट्रिक्स है और नीचे देखें ये आ रहा है जी 584, तो ये आ जाएगी इसकी रोज़ बन जाएगी। ये इसका कॉलम्स है 695, तो ये 695 इसका रोज़ बन जाएगी। ये कॉलम है तो ये इसका रोज़ बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इसका समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन दिन में रेज हो रहा हो तो कमेंट्स में डाल दें। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।